सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय, दिस इज विनोद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद जी। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं टीएलडी डोमेन के बारे में। ये टीएलडी डोमेन जो हमारा बिजनेस प्लान लॉन्च हुआ है कंपनी के माध्यम से एसबीजी के द्वारा, तो ये लंबे समय तक क्यों चलेगा। हालांकि बिजनेस प्लान जो है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जिस प्रकार से एसबीजी के अंदर में जो हुआ है, लोगों का एक भय सा बन चुका है कि एसबीजी के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, लोगों को प्यार ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से डर से लोग टीएलडी डोमेन के अंदर में भी वर्क नहीं कर रहे हैं। और देखा जाए तो टीएलडी डोमेन के अंदर में बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं नेगेटिव हो चुके हैं जिनका पूरा पैसा नहीं निकला है, तो थोड़ा सा डर रहे हैं। और फ्रेंड्स, लाजमी है कि जब पहले कॉन्सेप्ट के अंदर में कंपनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, लोगों को प्यार नहीं दे पा रही, तो दूसरा प्लेटफॉर्म पे लोगों को विश्वास हो पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और आज वही हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अब समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी आज भी खड़ा है लोगों को पैसा देने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन में बहुत सारी कंपनियां, अरे आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, चुपचाप निकल जाएगा, आप और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। लेकिन आज कंपनी खड़ा है आप लोगों के बीच, हम सभी के बीच में, और पैसा देने के लिए तैयार है। अभी बहुत सारे लोग इस बात से नेगेटिव है कि यार पहले 3 गुना बोला था, अभी 2 गुना दे रहा है, 0.5% दे रहा था, अभी 0.3% देना शुरू करेगा। जहां आपको 3 गुना या 2 गुना 400 दिन में 600 दिन में होता था, अब 2 गुना हमारा लगभग 23-24 महीने में हो रहा है, यानी 2 साल में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलता हूं कि अगर मिल जाता यही बहुत बड़ी बात है। अभी ऐसे ऐसे लोग यहां पे पड़े हुए फंसे हुए हैं जो उनको लग रहा है कि कम से कम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल जाए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रिंसिपल के आपको डबल भी पैसा देगा, बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है। और ये मैं बोलता हूँ कि अभी कंपनी थोड़ा सा ये काम करता ना कि जिन लोगों का एक्टिवेशन में फंड पड़ा हुआ, डिपॉजिट में पड़ा हुआ, अगर ये चीज लोगों का क्लियर कर देता, जिनका 100% नहीं मिला हो उनको भी दे देते, तो कंपनी के अंदर में एक बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम बन जाता और लोग अच्छे से काम कर पाते। और उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक वो सारा क्लियर कर देंगे और भी अच्छा रहेगा। हम सभी एक बहुत ही एक अलग एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग काम करेंगे। और अभी टीएलडी डोमेन, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि टीएलडी डोमेन में किस प्रकार से इनकम आ रहा है, वो इनकम कैसे है, क्या है, लोगों को नहीं समझ पाता कितना कट रहा है, किधर जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, मेरे पास में कमेंट आता है, तो मैं आज इस पे पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सजेशन करिए कि हमें किस प्रकार का वीडियो चाहिए जिससे कि लोगों को एक फायदा मिल सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं टीएलडी डोमेन के अंदर में। फ्रेंड्स देखिए, टीएलडी डोमेन के अंदर में 2 प्लान है, एक हमारा वर्किंग और नॉन वर्किंग है, 2 चीजें, ठीक है। अब वर्किंग के अंदर में हमें 2 तरह का इनकम मिलता है, डायरेक्ट और लेबर इनकम, नॉन वर्किंग में ऑटो कॉल और रिवर्स इनकम। अब यहाँ पे ये क्या चीज है ये आप सभी को पता है, बट यहाँ पे कुछ चीजें जो कहाँ से कैसे आता है और कितना कटता है और किधर जाता है, कैसे हम करेंगे, वो चीज हम बात करने वाला हूं यहाँ पे। जैसे वर्किंग के अंदर में जो हमारा डायरेक्ट और लेबर इनकम मिलता है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा इनकम आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनकम आता है, लेबर इनकम आता है, तो ये कुछ डिडक्शन होता है, मतलब कट करके और हमारा वॉलेट में जाता है। तो हमारा जो मेन वॉलेट आप देखेंगे यहाँ पे, मेन वॉलेट जो हमारा है फ्रेंड्स, मेन वॉलेट हमारा रिवार्ड है, रिवार्ड वॉलेट जो है जहां पे हमारा फंड जाता है और वहां से हम विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे कितना आता है, बहुत सारे लोगों का यार इतना बना और इतना ही कम क्यों आया, किधर गया बाकी पैसा, ये समझना है। एक रिवार्ड वॉलेट आ गया, दूसरा हमारा ऑटो अपग्रेडेड,
ये दो वॉलेट आता है, ये दो वॉलेट के अंदर में हमारा फंड जाता है। ठीक है, टोटल इनकम जो हमारा था, टोटल इनकम हमें रिवार्ड में और ऑटो अपग्रेडर वॉलेट में जाता है। वो कैसे जाता है, किस प्रकार से जाता है, आज हम जानेंगे। यहां पे देखिए, डायरेक्ट इनकम में जो इनकम बनता है और लेवल इनकम में जो भी इनकम आता है वो डिडक्शन होता हमारा, 25% कटेगा आपका। 25% कट करके हमारा क्या कहा जाता है, जैसे सपोज आपका डायरेक्ट और लेवल इनकम मिला करके टोटल आपका यहाँ पे 50 डॉलर का इनकम आपका बनता है। ठीक है, तो 50 डॉलर का जो इनकम बनाना, ये आपका डिडक्शन करेगा इसमें 25%। 25% कटता है मतलब आपका समझिए यहाँ पे टोटल 12.5, ये 12.5 डॉलर आपका ऑटो अपग्रेड वॉलेट में जाता है। ठीक है, 37.5, ठीक है ना, 37 यानी कि 37 डॉलर आपका चला जाएगा कहां पे, रिवार्ड वॉलेट में। फ्रेंड्स, जो भी हमारा लेवल इनकम और डायरेक्ट इनकम जो बनता है, इसका 25% डिडक्ट होकर के हमारा ऑटो अपग्रेड वॉलेट में जाता है और बाकी का फंड हमारा रिवार्ड वॉलेट में आता है। ठीक है, ये दोनों देखते हैं, डिडक्शन हमारा 25% ऑटो अपग्रेड में जाता है। इसके बाद नॉन वर्किंग के अंदर में हम आते हैं, तो नॉन वर्किंग के अंदर में हमारा ऑटो पुल और रिवर्स इनकम जो भी बनेगा, ठीक है, जो भी बनेगा उसमें डिडक्शन आपका 50% होता है। ये 50% डिडक्ट हो करके आपका अपग्रेड वॉलेट में जाएगा और बाकी का फंड जो रहेगा, सपोज आपका टोटल मिला करके 50 डॉलर का इनकम बना, तो 50 में से 25 डॉलर आपका चला जाएगा कहां पे, ऑटो अपग्रेड वॉलेट में। ठीक है, बाकी का जो 25 डॉलर बचेगा वो आपका इसमें आ जाएगा रिवार्ड वॉलेट में, जहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ऑटो अपग्रेड वॉलेट में जाता है उसका हम करेंगे क्या, इसका हम दो तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड वॉलेट में आपका जो फंड जाता है, सपोज आपने 45 डॉलर का आईडी लिया हुआ, अभी 45 डॉलर का पैकेज आपने एक्टिवेट किया, ऑटो अपग्रेड वॉलेट में जो पैसा जाता है वो धीरे धीरे जितना भी ऐड होते होते जैसे ही 90 डॉलर हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 डॉलर होते ही आपका यहाँ पे जो 90 डॉलर का जो पैकेज हमारा प्रोफेशनल एक्स, वो आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपका अपग्रेड वॉलेट का यहाँ पे यूज हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आप ऑटो अपग्रेड वॉलेट के अंदर में जो भी फंड गया, अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं या वहां से निकालना चाहते हैं, तो यहां का फंड आपका सीधा जाएगा कहां पे, एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर में। ठीक है, एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर में जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां भी आप समझने वाली बात है कि जो आप अगर ऑटो अपग्रेड वॉलेट से एक्टिवेशन फंड में अगर हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहां भी आपका 25% डिडक्ट होगा। ठीक है, 25% डिडक्ट होगा और उसके बाद आपका एक्टिवेशन वॉलेट में जाता है, अगर आप करना चाहते हैं तो। एक्टिवेशन वॉलेट में आने के बाद में आपका दो यूज है यहाँ पे, या तो आप अपना पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अगर 45 का लिया हुआ है तो 90 का कर सकते हैं, या फिर 90 का हुआ तो 180 का कर सकते हैं, या फिर एक न्यू आईडी एक्टिव कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से आप यहां से कैश कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड करेंगे तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरे का एक्टिवेट करेंगे तो वहां से हम अपना पैसा कैश कर सकते हैं। ये काम है इसका, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये चीज समझना होगा कि नॉन वर्किंग का जो भी इनकम बनता है रिवार्ड वॉलेट में 50% जाएगा और 50% अपग्रेड वॉलेट में, और वर्किंग में जो भी इनकम बनेगा उसका 25% कट करके अपग्रेड वॉलेट में जाएगा, बाकी का फंड रिवार्ड में जाएगा। यही दो चीजें हैं। इसके अलावा अपग्रेड वॉलेट में जो फंड जाता है उसको एक्टिवेशन में ट्रांसफर करना है, तो आपका वहां भी 25% कट करके एक्टिवेशन में जाएगा। अब रिवार्ड वॉलेट में जो भी फंड जाता है फ्रेंड्स, तो यहां से अगर हम विड्रॉ करते हैं अपने बीएसडी में, ट्रस्ट वॉलेट या बैलेंस के अंदर में लेके जाने का, तो यहां भी आपका जो डिडक्शन होगा वो 5% डिडक्ट होगा। तो देखिए, यहां पे हम ये बोलना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर में ये जो टीएलडी डोमेन का जो प्लान है फ्रेंड्स, ये लंबा इसलिए चलने वाला है क्योंकि यहां पे कंपनी का 1 रुपया खर्चा नहीं है, पहला। दूसरी चीज है कि कंपनी का जब खर्चा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है,
तो ये कंपनी का ये जो प्लान है ये कभी बंद नहीं होगा, समझ गए ना, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। मेन प्रोडक्ट है इसका टीएलडी डोमेन का, तो उसको ये प्रमोट करने का काम कर रहा है, उसके थ्रू से हमें एक इनकम प्लान मिल रहा है जहां से हम इनकम कर सकते हैं। अब सपोज यहां पे जो हमारा $45 का है पैकेज, $45 का है, 90 का है, 180 का है, 360 का है, 720 का है और 1440 का है। इसमें से आप देखिएगा कि $45 में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करा। कंपनी बोल रही है कि हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, लेकिन 100% कहाँ करती है, 45 में से 5 आपका रख लिया, 45 में 5 रखे, बाकी बचा 40, 40 का ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके बाद 90 में क्या कर रहा है, ये 10 रख रहा है, बाकी का 80 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। 180 में यहां पे क्या कर रहा है, 20 रख ले रहा है और 160 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब इस प्रकार से यहां पे 40, यहां पे 80, यहां पे 100, ऐसे करके वो रख ले रहा है और उसके बाद बाकी का आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब समझिएगा दूसरी चीज यहां पे कि कंपनी कितना डिडक्ट कर रही है, यहां पे ऑटो पुल में अपग्रेड वॉलेट के अंदर में जाने के लिए 50% सीधा काट रहा है, समझ गए ना, ताकि हमारा जो पैकेज है वो अपग्रेड होता रहे, लोगों का काम बनता रहे और रिबर्थ का इनकम या ऑटो पुल का इनकम आता रहे लोगों को। तो ये चीज है ना कि मतलब इस प्रकार से अगर हम गहराई से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो टीएलडी डोमेन का जो प्लान है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब समझिए तो लंबे समय तक चलने वाला प्लान है। अगर आप एसबीजी में करना नहीं चाहते हैं, एसबीजी रिवार्ड के अंदर में प्लान आप करना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको करिए बिंदास होकर के और जबरदस्त तरीके से आप इनकम कर सकते हैं और अपने टीम का भी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूंगा कि अभी तक अगर आपने टीएलडी डोमेन का एक्टिवेशन नहीं किया है तो 7 तारीख से पहले पहले सभी अपना अपना आईडी एक्टिवेट कर लें, चाहे वो आपको $45 का ही क्यों ना हो, जरूर कर लें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से कर लीजिएगा और अपने आईडी को चाहे तो खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा और कैसे करना है वो देख लीजिएगा, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और हमें सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।